विना यजन योगेन बिना ध्यानेन यत फलम तत फलम लभते सत्यो विद्या या सुकृपा भवेत। यानी इस श्लोक के अनुसार यदि इस विद्या की कृपा हो जाए तो बिना यज्ञ किए ही उसका फल और बिना ध्यान किए ही ध्यान का फल प्राप्त होता है। महाकुंडलिनी मंत्र। योग और तंत्र की सबसे रहस्यमय शक्तियों में कुंडलिनी शक्ति सबसे रहस्यमय शक्ति है और इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ कुंडलिनी महाशक्ति के ही अधीन है। कुंडलिनी शक्ति परादेवी है जो कि मूलधार चक्र में विराजमान, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, महापुण्यदायक, ध्यान ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है। इसलिए कुंडलिनी महामंत्र में कहा गया है, अष्टोत्तरम महापुण्यम साक्षात सिद्धि प्रदायकम। यानी कुंडलिनी को प्रिय लगने वाले ये सात चक्र महापुण्यदायक और साक्षात सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए तो कुंडलिनी को महाशक्ति कहा गया है। मात्र एक बार कुंडलिनी जागृत होने पर एक आम इंसान बहुत खास हो जाता है। उसे खुद ब खुद आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और इस संसार में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता और इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख कुंडलिनी का है। इसलिए तो कहा गया है कुंडलिन्या प्रियम सुखम, यानी इस पूरी पृथ्वी पर इससे बड़ा सुख और कोई है ही नहीं। महाकुंडलिनी मंत्र। और ये कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर ही समाहित है, यानी ये हर एक इंसान के अंदर छिपी हुई है। और इसीलिए तो इस धरती पर नौवे अवतार कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भाव, यानी अपने दीपक खुद बनो। और इसका जिक्र अब तक के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद तक में है। ऋग्वेद में इसे एक श्लोक के द्वारा बताया गया है। उसका मतलब है, मैं जिसे चाहती हूँ उसे महान शक्तिशाली संत ऋषि और अनंत शक्तियों का स्वामी बना देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए प्योर डेडिकेशन के साथ अटूट मेहनत। इसलिए तो शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, उत्तमो भैरव, यानी अधिक मेहनत से ही शक्तिमान हुआ जा सकता है। और हाँ, कुंडलिनी कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है कि आप सोचो कि आपकी कुंडलिनी सिर्फ एक दिन में ही एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे सिद्ध होने में कई जन्म लग जाते हैं। और जो महाज्ञानी लोग अपनी वीडियोस में दावा करते हैं कि वो एक दिन या फिर कुछ समय में ही कुंडलिनी एक्टिवेशन का दावा करते हैं, ये सब कुछ ना एकदम बकवास है। और बिलीव मी गाइस, अभी तक ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं जो आपकी कुंडलिनी सिर्फ एक दिन या फिर थोड़े ही समय में एक्टिवेट कर सके। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको आपकी कुंडलिनी खुद से जागृत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, बस एक रास्ता दिखा सकता है और वो काम केवल एक गुरु ही कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। कुंडलिनी महाशक्ति को ही योग माया कहते हैं और हमारे वेदों के अनुसार यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और यही कुंडलिनी महाशक्ति सभी जीवों को अज्ञात रूप से बंधन में बांधती है और फिर यही शक्ति विद्या के रूप में होकर सभी बंधनों से मुक्त भी कर देती है। और हठ योगा के अनुसार जिस तरह सभी पर्वतों और वनों के साथ पृथ्वी को शेषनाग धारण किए हुए है, और ठीक बिल्कुल इसी तरह से ही ये कुंडलिनी सभी शक्तियों और योग को धारण किए हुए है। और महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं कि प्राणों को धारण करने वाली वायु कुंडलिनी से ही उत्पन्न होती है और यही असली प्राण विद्या और महाविद्या है। और जो इस विद्या को जानता है केवल वही वेदों को जानने वाला है। और इस मानव शरीर में कुंडलिनी महाशक्ति सभी रहस्यों और शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुए है और ये एक इंसान की सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। और जब ये सोई हुई शक्ति जागृत होती है तब सुषुम्ना नाड़ी में स्थित सभी चक्रों और ग्रंथियों को भेद कर सहस्त्रहार चक्र में स्थित परम शिव में विलीन हो जाती है। और छांदोग्य उपनिषद में तो कुछ ऐसा लिखा है कि जब कुंडलिनी शक्ति सभी चक्रों और ग्रंथों को भेद कर ऊपर की तरफ बहती है तो चक्रों और ग्रंथियों में स्थित देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं और ऐसा होने पर वो इंसान अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता तब तक एक इंसान अपने सात चक्रों पर काबू नहीं पा सकता। देखो, आप में से अभी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि कुंडलिनी आखिर है क्या। तो अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो कुंडलिनी हमारे सात चक्रों का कॉम्बिनेशन है और जो कि हमारे रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र में स्थित रहती है, और वो भी केवल तब तक जब तक कि एक इंसान उसका सही तरीके से जागरण नहीं कर लेता। अगर आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक सच्चे गुरु की गाइडेंस में जागृत होती है तो सच मानो दोस्तों, इससे अच्छा और कोई ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है ही नहीं। कुंडलिनी एनर्जी बहुत ही पवित्र वेव की तरह है जो आपको हर तरीके से हील कर देगी और ये आपके नए सेंसेशंस को खोल देगी और आप खुद को एक ब्लिसफुल स्टेट में पाएंगे जो कि स्टार्ट होगी आपकी रीढ़ की हड्डी से और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी और जिसका आनंद आप हर सेकंड उठा सकते हो। आप खुद से सोचो
जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, आपके हिसाब से आप कुछ मिनट के लिए ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, जो कि बस कुछ सेकंड्स के लिए होती है, और उसे पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो बस कुंडलिनी में आप उससे भी बड़ी ब्लिसफुल स्टेट को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हर सेकंड, जिसे मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसके एक्सपीरियंस भी बहुत कमाल के होते हैं। आपको साइकिक एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन साउंड्स, डिवाइन विजन्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, हैंड्स में सेंसेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी माँ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लोग बस सही तरीका नहीं जानते। अगर आपने अपनी कुंडलिनी बिना किसी गुरु के एक्टिवेट कर भी ली, तो वो ठीक वैसा ही है जैसे किसी के हाथ में न्यूक्लियर पावर हो और उसे वो ऑपरेट करना ही ना आता हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नथिंग इज डेंजरस, खासकर कुंडलिनी माँ, अगर आपके पास एक सच्चा स्पिरिचुअल गुरु है तो। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप बिना किसी गुरु के ये सब बिल्कुल भी मत करना। अगर आपकी कुंडलिनी सच में एक्टिवेट होती है, तो उससे अमेजिंग गिफ्ट और कोई है ही नहीं। आजकल लोग 2 से 4 आर्टिकल पढ़ के ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि कुंडलिनी बहुत डेंजरस है, आप आज मरने वाले हो या फिर कल, वगैरह वगैरह। और आप कुछ वीडियोस और आर्टिकल्स के टाइटल पढ़ के ही समझ जाओगे कि उनमें कितनी सच्चाई छिपी है। आजकल तो ये बस एक ट्रेंड चल रहा है, जहां देखो वहां इनलाइटनमेंट नजर आ रहा है, और मोस्टली लोग अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ दैट। वेल, ये कुंडलिनी नेचर के साथ ट्यून होके चलती है, और जैसे ही आप कुंडलिनी के साथ ट्यून करोगे, आप खुद को डांस करते हुए पाओगे, जैसा आपने आज से पहले कभी किया ही ना हो। क्लासिकल सिंगिंग, जो आपने शायद कभी सुनी भी ना हो, और ऐसे वैदिक मंत्र जिनका आपके साथ दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, और ऐसी इमेंस नॉलेज जो शायद ही किसी के पास हो। और ये पूछो क्या नहीं है इसमें, ये ब्रह्मांड बहुत अद्भुत और अनंत है, और इसकी पावर्स भी, कुंडलिनी खुद एक पूरा पावर हाउस है, जिसकी शक्तियाँ और पावर्स अनलिमिटेड है। और एक और बात, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं ना कि मेडिकल साइंस में इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। और क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुई है, और अभी थोड़े दिन पहले ही साइंटिस्ट को एक नया ऑर्गन मिला, वो भी ह्यूमन थ्रॉट के अंदर, आई थिंक जिसका नाम है ट्यूबोरियल ग्लैंड। कैन यू बिलीव इट? आप मॉडर्न साइंस का कंपैरिजन एंशिएंट साइंस से नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों और करोड़ों साल पहले ये डिपिक्ट कर पाना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी सिस्टम होता है, जिसे कुंडलिनी या फिर वैदिक एनर्जी सिस्टम कहा जाता है, साइंस एक बहुत ही बेवकूफी भरा तरीका है ह्यूमन बॉडी और उसके सीक्रेट्स को जानने के लिए। और कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि ये सारे एजुकेशन सिस्टम हमें दर्शाता है कि आज हम कितनी बुरी तरीके से फेल हुए हैं, और वो भी हम बिना अपनी कैपेसिटी जाने। आज ये ग्लोबल पेंडेमिक क्या आया, हम तो अपने घरों में ही छिप गए, और फिर ऊपर से वो लोग ये और कहते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है। एक बार अपनी कुंडलिनी जागृत करो, और तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। खैर, हर डिसीज क्योरेबल है, कोई वायरस कोई कैंसर डेंजरस नहीं है, और साइंस भी इसी बात पर आज से 50 साल बाद एग्री करेगा। मैंने कितने सारे आर्टिकल्स कुंडलिनी के ऊपर पढ़े, लेकिन उन सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी, हाउ डेंजरस इज कुंडलिनी। मुझे कहते हुए ये बहुत अफसोस हो रहा है कि लोग बिना हिंदू वेदास को जाने हुए चारों तरफ बस झूठ फैला रहे हैं। और आज जब मैं लोगों को योग के नाम पर नाचते और कूदते देखता हूँ, तो मेरी सच में हंसी नहीं रुकती, क्योंकि योग का सही मतलब है आपका और उस परमात्मा का मिलन। प्रकृति अपने तरीकों में बदलाव कर रही है, और उसके बदलते पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पाना बहुत इम्पॉसिबल सा है। और जो लोग प्रकृति को सुन रहे हैं और उसके साथ कनेक्टेड हैं, और सच पूछो तो आज वही लोग मजे में हैं, और साथ ही वही लोग ब्लेस्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी कुंडलिनी एनर्जी को जागृत कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जो लाखों करोड़ों साल पहले हिंदू मिथोलॉजी बुक्स में लिखा जा चुका है, और यही सबसे एंशिएंट टेक्निक है, और जिसका नाम है कुंडलिनी योगा, या फिर जिसे कुंडलिनी क्रिया भी कहा जाता है। और ये कुंडलिनी योगा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर हस्त मुद्राएं, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, वैदिक मंत्र चैंटिंग, सिंगिंग और भी बहुत कुछ है। और इसके ऊपर तो कई सारी रिसर्च और स्टडीज भी हो चुकी हैं। रुको, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, इस रिसर्च में बताया गया है कि कैसे कॉर्टिसोल हार्मोन आपके स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे आप इस योग को करने से स्ट्रेस फ्री रहते हो। अब नेक्स्ट रिसर्च को देखो, इसमें कैसे बताया गया है कि कुंडलिनी योगा आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आराम से पढ़ लेना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में। मेडिटेशन यानी कि ध्यान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है, इसीलिए तो कुंडलिनी तंत्र में कहा गया है, बिना ध्याने यत फलम, यानी कि बिना ध्यान किए कोई भी विद्या सफल नहीं होती, महाकुंडलिनी तंत्र। इसीलिए योग और तंत्र में काफी सारे मेडिटेशन मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और उसमें ऐसा कहा गया है कि मेडिटेशन से आपका माइंड स्टेबल होने लगता है, और आपका माइंड पूरी तरीके से स्टेबल होने के बाद ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है।
है। आसान शब्दों में, जब तक आप ब्लेस मैन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कुंडलिनी जागरण इम्पॉसिबल सा है। अब नेक्स्ट है प्राणायाम और मेडिटेशन के बाद प्राणायाम ही सबसे बेस्ट तरीका है कुंडलिनी जागरण के लिए। प्राणायाम से प्राणवायु स्थित होने लगती है और केवल प्राणवायु के स्टेबल होने पर ही आपका मन भी ब्लेस माइंड की स्टेट में पहुंच जाता है। इसीलिए तो हठ योग में कहा गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत। यानी जब आपकी प्राणवायु ही स्थिर नहीं होगी तब आपका मन भी स्थिर नहीं हो सकता, और जब तक आपका मन स्टेडी नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में आपका कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि जब हम कुंडलिनी योगा स्टार्ट करते हैं तब हमारे बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं। तो एक लंबी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद बॉडी में काफी नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, और ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा, ये कुछ महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज और बुक्स में मेंशन है। तो सबसे पहला है नर्वस सिस्टम। तो कुंडलिनी योगा हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नर्व्स रहेंगी और उतने ही कूल और काम आप रह पाओगे किसी भी घटिया से घटिया सिचुएशन में। जैसे आप किसी प्लेन में बैठे हो और वो क्रैश होने ही वाला हो, सब लोग पैनिक होंगे और सबके चेहरों पर एक डर होगा, लेकिन आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जानने के बावजूद भी कि आप थोड़ी देर में ही दुनिया को अलविदा कहने वाले हो, आपके चेहरे पर डर और पसीने की एक बूंद भी नहीं होगी। देखा कितनी पावर है इस कुंडलिनी योगा में। नेक्स्ट है विल पावर। कुंडलिनी योगा आपके इनर विल पावर यानी कि आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, जो कि आपके थर्ड चक्र मणिपुर चक्र में स्थित होती है, जो कि स्थित है आपकी नेवल यानी नाभि के बिल्कुल ठीक सेंटर में। और जब आपकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है तब इस रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीट डेवलप होती है, जो कि आपके डाइजेशन में मदद तो करती ही है और साथ में आपकी पास्ट मेमोरीज और सेल्फ डाउट्स को भी खत्म कर देती है, और जिसकी वजह से हम अपनी पुरानी मेमोरीज को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं और अपने प्रेजेंट में रह पाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन पावर। देखो ये कुंडलिनी योगा आपके माइंड में छाई हुई डस्ट यानी कि धूल को एकदम क्लियर कर देता है। देखो जब आपके माइंड को थॉट्स के काले बादल ने घेर रखा हो तब आपका माइंड सब्जी मंडी की तरह थॉट से भरा हुआ होता है और जिसे शांत कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप कुंडलिनी योगा यानी कि अल्टरनेट ब्रीथिंग या फिर डीप ब्रीथिंग एक मिनट भी करते हो ना, तब आपका माइंड थॉट से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप खुद को मोर फोकस्ड कंसंट्रेटेड और अलर्ट स्टेट में पाओगे। अब नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। जब आप अल्टरनेट ब्रीथिंग करते हो अपनी लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल से, जो कि एक तरह का प्राणायाम है जिसे अनुलोम विलोम कहा जाता है और जो कि कुंडलिनी योगा के अंदर आता है। देखो इस दौरान होता यह है कि आपकी ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस्ड रहते हैं और आपके ब्रेन का राइट साइड हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी थिंकिंग कॉन्सेंट्रेशन फोकस और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, और इसमें कुंडलिनी योगा आपकी छिपी हुई क्रिएटिविटी को जागृत कर देता है, क्योंकि कुंडलिनी योगा आपकी छोटी छोटी परेशानियों को दूर कर देता है और फिर आपको अपनी लाइफ में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। अब नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपकी एनर्जी फोर्थ चक्र तक पहुंचती है यानी जैसे ही आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिल्कुल ट्री की रूट्स की तरह। जैसे जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये दुनिया खत्म हो चुकी है, चाहे किसी जॉब की अनसिक्योरिटी हो, एग्जाम का फेलियर हो या फिर ब्रेकअप की तनहाई क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा चीजों को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड, और आपको ये समझ आ ही जाएगा कि जो हुआ बस अच्छा ही हुआ। तो बस एंड में मैं आपसे यही कहूंगा, खुद से कुछ ट्राई मत करना, जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उलझी हुई ये चीजें हैं, और मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि किसी की भी वीडियो देखकर आप इन चीजों पर एकदम से काम करना मत शुरू कर देना, और इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा और सच्चा गुरु। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी किसी भी चीज को करने से पहले आपको अपने मन को इमोशनली स्टेबल रखना होगा। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल अब भी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और मेरा इंस्टा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ, तो भाई लोग अपना अपना योगदान जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में, और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे।